गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कुमार सर। जैसा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीएससी थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशंस स्टार्ट होने वाले हैं, इन्हीं एग्जाम्स के रिगार्डिंग मैंने मैथमेटिक्स में लीनियर एल्जेब्रा एंड एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा पर एक एग्जामिनेशन प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर किया है, जिसमें कि प्रीवियस ईयर्स के पूछे गए क्वेश्चन हैं और ऐसे क्वेश्चन हैं जिन्हें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं और पिछले कई वर्षों में इन्हीं क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट को। तो ये पेपर है आपका बीएससी थ्री फिफ्थ सेमेस्टर का और ये एग्जामिनेशन प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है। सेकंड पेपर एब्स्ट्रैक्ट एंड लीनियर एल्जेब्रा। इसमें पहला क्वेश्चन हमने रखा है कि इफ एच बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी एंड के नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी कंटेनिंग एच, यानी के एक नॉर्मल सब ग्रुप है जो कि एच को कंटेन कर रहा है, यानी कि एच और के दोनों ही सब ग्रुप है जी के। प्रूफ आपको क्या करना है कि जी ओवर के इज आइसोमॉर्फिक जी ओवर एच ओवर के ओवर एच। दूसरा क्वेश्चन है प्रूफ दैट द कॉन्जुगेसी रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए ग्रुप जी। ये आपको एक कॉन्जुगेसी का रिलेशन प्रूफ करना है, कॉन्जुगेट नाम के चैप्टर से ये लिया गया है। If P is a prime number, ये C part है इसका। If P is a prime number and P divides order of G, then prove that G has an element of order P। यानी किसी भी ग्रुप को जो कि finite ग्रुप है और एक prime number divide कर रहा हो, P divides order of G, then prove that G has an element of order P। यानी उस ग्रुप में एक element आपको जरूर मिलेगा कि जिसका order वो prime number के equal होगा। आते हैं second question में। If order of g equal to p की पावर n, where p is a prime number, then the center z not equal to e। इसकी मीनिंग है कि z में, यानी जो सेंटर ऑफ g कहलाता है z, उसमें केवल आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ z जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, केवल अकेला उसमें एक एलिमेंट नहीं होगा, ये आपको प्रूफ करना होगा। फिर क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू लेफ्ट आइडियल्स इज अगेन ए लेफ्ट आइडियल ऑफ रिंग, यानी इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल्स के बारे में पूछा गया है। फिर है इफ आर इज ए कम्यूटेटिव रिंग ए बिलोंगिंग आर, देन प्रूव दैट आर ए इक्वल टू आर ए आर बिलोंग आर इज ए लेफ्ट आइडियल ऑफ आर, यानी यहां पर इसको आर ए को लेफ्ट आइडियल ऑफ आर प्रूफ करना होगा आपको। थर्ड क्वेश्चन है लेट फाइव बी ए होमोमार्फिक इमेज, होमोमार्फिक मैपिंग है यहाँ पर, मैपिंग of a ring R into a ring R dash. Let S dash be the homomorphic image of R in R dash, then prove that S dash is subring of R dash. यानी यहाँ पर एक phi homomorphic mapping दी हुई है R से R dash में। अब R dash के जो elements mapped हो जाएंगे उनका एक अलग set बनाएंगे S dash, फिर उस S dash को आप प्रूफ करेंगे कि वो subring होगा किसका, R dash का। If U is an ideal of R with unity and I contain, actually यहाँ one होना चाहिए, one contain U, यानी one belong कर रहा है U में, then prove that U is equal to R, यानी अगर one, यानी unity element U में belong करेगा तब U equal to R आ जाएगा आपका। Prove that every Euclidean ring is a principal ideal ring, ये काफी important question है, कई बार exam में आ चुका है previous years में। अब देखते हैं ideal पर एक question है, an ideal S of a Euclidean ring R is maximal IFF if S is generated by some prime element of R, यानी वो ideal maximum ideal होगा अगर किसी prime element से generated होगा। Next, a commutative ring with unity is a field if it has no proper ideals, यानी अगर एक ring है जो कि commutative ring है with unity है तो field हो जाएगी, लेकिन शर्त क्या है, it has no proper ideal, इसके पास कोई proper ideal नहीं होना चाहिए। फिर है the polynomial domain fx over a field f is not a field, यानी अगर polynomial लिया जाता है तो polynomial आपका field नहीं बनाता है, even it is over the field f, इसके numbers जो लिए गए हैं, जो elements लिए गए हैं वो field से लिए गए हैं, लेकिन fx जो कि polynomial का set है वो field नहीं बनाएगा, ऐसा proof कर रहा है। Let fx is equal to a naught plus a1x plus an x to the power n, यानी ये nth degree का polynomial लिया गया है, बी ए पॉलिनोमियल विद इंटीजर कोफिशियंट्स, और इसके कोफिशियंट्स कैसे हैं, इंटीजर है। सपोज दैट फॉर सम प्राइम नंबर पी, एक प्राइम नंबर पी है जो कि ए एन को नहीं डिवाइड कर रहा है, यानी एनथ कोफिशियंट को,
और डिवाइड कर रहा है ए वन को, ए टू को, अप टू ए नॉट, जितने भी हैं सबको डिवाइड करेगा कोफिशियंट को, एक्सेप्ट द कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर एन। और एक शर्त ये भी है कि पी स्क्वायर नॉट डिवाइडिंग ए नॉट, पी डिवाइड तो कर रहा है ए नॉट को लेकिन पी स्क्वायर नहीं डिवाइड करेगा ए नॉट को, देन प्रूव दैट एफ एक्स इज इरिड्यूसिबल ओवर ओवर द रेशनल्स होगा, ओवर द रेशनल्स यानी ये जो है इरिड्यूसिबल है ओवर द रेशनल, आइंस्टीन क्राइटेरिया भी कहलाता है। नेक्स्ट में आते हैं फाइव में, लेट वी एंड डब्ल्यू बी वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ एंड टी बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी टू डब्ल्यू, सपोज दैट वी इज फाइनाइट डायमेंशनल देन रैंक टी प्लस नलिटी टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट देखिए, लेट टी बी लीनियर ऑपरेटर ऑन आर थ्री या आर क्यू पढ़ते हैं, डिफाइन बाई टी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इज थ्री एक्स वन एक्स वन माइनस एक्स टू टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री, ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको डिफाइंड है और इसको लीनियर ऑपरेटर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि R3 टू R3 है, जो रिंग जो वेक्टर स्पेस लिया गया है वो R3 है और जो दूसरे में मैपिंग हो रही है वो भी R3 है, तो प्रूफ ये करना है इज T इन्वर्टेबल, क्या ये T हमारा इन्वर्टेबल होगा ये चेक करेंगे, और अगर इन्वर्टेबल है तो T इनवर्स डिफाइन करना पड़ेगा, सो फाइंड द रूल फॉर ये T की पावर माइनस वन, लाइक द वंस डिफाइनिंग T also prove that t square minus i एक ब्रैकेट में t minus 3i एक ब्रैकेट में equal to null transformation, ये zero cap null transformation को show करता है। Next, prove that every n dimensional vector space is isomorphic to space of n tuples Fn, isomorphism proof करना है। Let v be a finite dimensional vector space over field f and w be a subspace of v, then dimension of w plus dimension of w and later is equal to dimension of v, ये आपको इसमें प्रूफ करना है। ये एक्चुअली में डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू एनिहिलेटर है यहाँ पर, ये ध्यान दीजिएगा, और ये डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू है। नेक्स्ट में आते हैं, लेट वी बी ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर एफ एंड बी अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन, एक्चुअली बेसिस सेट है, बी एनी बेसिस फॉर वी, लेट डब्ल्यू बी ए वेक्टर स्पेस ओवर एफ एंड बीटा वन बीटा टू बीटा एन आर एनी वेक्टर्स इन डब्ल्यू, then prove that there exists a unique linear transformation T colon V to W such that T alpha I is equal to beta I, ये linear transformation में है। Next, given the basis, तीन element आपको दिए हैं basis के, आपको determine करना है dual basis, dual basis के लिए इस problem को solve करेंगे। Next आ रहे हम, state and prove Cauchy-Schwarz inequality, Cauchy-Schwarz inequality बहुत ज़्यादा exam में पूछी जाती है, state and prove Bessel's inequality इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, यानी आपको बेसल्स इनइक्वालिटी के लिए यहां पर कहा गया प्रूफ करने के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एफ डिफाइंड ऑन वेक्टर्स अल्फा बीटा इन आर टू आर बायलिनियर फॉर्म्स, तीन प्रॉब्लम है इसमें आपको चेक करना है कौन से बायलिनियर फॉर्म बना रहे होंगे। नेक्स्ट, प्रूव दैट द बायलिनियर फॉर्म एफ ऑन ए वेक्टर स्पेस वी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ एनी मैट्रिक्स ए रिप्रेजेंटिंग एफ हैज द प्रॉपर्टी टी ए टी, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन है, एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन आप जैसे डैश से बनाते थे इज इक्वल टू ए, तो अगर हमारे पास कोई बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और वो सिमेट्रिक है तो उसकी मैट्रिक्स जो होगी बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की वो सिमेट्रिक होगी, ऐसा हमें प्रूफ करना होगा। इफ एंड ओनली इफ है तो बायलिनियर फॉर्म लेके चलेंगे और मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे, और मैट्रिक्स को सिमेट्रिक लेके चलेंगे और बायलिनियर फॉर्म प्रूफ करेंगे। स्टेट एंड प्रूव प्रिंसिपल एक्सिस थ्योरम, एक थ्योरम ये करेंगे, लेट वी बी ए कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस एंड एफ फॉर्म ऑन वी, एक फॉर्म दी हुई है, एक्चुअली यहाँ पर एफ ओनली है, एफ फॉर्म ऑन वी रूल होता है, फॉर्म का मतलब रूल ऑन वी, सच दैट एफ अल्फा अल्फा इज रियल फॉर एवरी अल्फा, देन प्रूव दैट एफ इज हर्मिशियन, आपको ये प्रूफ करना है कि अगर एफ अल्फा अल्फा रियल होगा तब एफ आपका हर्मिशियन होगा। राइट डाउन द टू पोलराइजेशन आइडेंटिटीज एंड प्रूव देम, पोलराइजेशन आइडेंटिटी दो होती है, एक रियल के लिए होती है और एक कॉम्प्लेक्स के लिए होती है, आप इसको नोट से बुक से देख सकते हैं और वहां से इन दोनों आइडेंटिटीज को फाइंड आउट करके प्रूफ कर सकते हैं। स्टेट एंड प्रूव प्रोजेक्शन थ्योरम, एक थ्योरम है उसका नाम है प्रोजेक्शन थ्योरम, उसको भी यहाँ इंपॉर्टेंट लिया गया है। लास्ट क्वेश्चन लिया है ये हमने कि स्टेट एंड प्रूव ग्राम श्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस, ग्राम श्मिट प्रोसेस होता है जिसमें एक वेक्टर मालूम होता है फिर आगे के हम परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑब्टेन कर लेते हैं, तो या प्रूव दैट एवरी फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस हैज एन ऑर्थो नॉर्मल बेसिस, और जो कलेक्शन आता है वो एक ऑर्थो नॉर्मल बेसिस
बनाता है, इसीलिए कहते हैं यहाँ पर कि प्रूव दैट एवरी फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस हैज एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, यानी उसका एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑब्टेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है ये, अप्लाई ग्राम श्मिट प्रोसेस टू ऑब्टेन एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर द सब स्पेस ऑफ C3, कॉम्प्लेक्स का स्पेस दिया गया है और स्पैन बाई तीन या दो ही वेक्टर दिए हैं, एक्चुअली कॉम्प्लेक्स में है, थोड़ा सा टाइम लगता है इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो एक बीटा वन दिया है और एक बीटा टू दिया हुआ है, आपको डिटरमाइन करना होगा अल्फा वन एंड अल्फा टू ऑर्थो नॉर्मल, देख रहे हैं ऑर्थो नॉर्मल बेसिस निकालेंगे यहाँ पर, वही ग्राम श्मिट प्रोसेस से ही निकल आएगा। एक और है कि लेटर बी ए बाइलिनियर फॉर्म ऑन R2 डिफाइंड बाय दिस, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ F इन द फॉलोइंग बेसिस, यानी यहाँ पर दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप ये ले सकते हैं मैट्रिक्स डिटरमाइन करना है और बी डैश दूसरा ये ले सकते हैं, यहाँ पर भी आपको मैट्रिक्स ही डिटरमाइन करना है। तो आई थिंक आपने पूरा पेपर देखा, इसके सारे क्वेश्चंस को आप एक एक करके कॉपी पर लिख लें और इनके सॉल्यूशंस ऑलरेडी आपके पास होंगे या नोट्स या बुक से इनके सॉल्यूशंस आप बना लीजिए और एक एक करके आप ये प्रिपेयर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।